हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्रेलिक कलर के बारे में और बात करेंगे कैनवास के बारे में। तो यहां पे हम बनाने वाले हैं एक्रेलिक कलर से कैनवास के ऊपर एक पेंटिंग्स जो होने वाली है बुद्धा की। तो आपने काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखी होंगी मेरे चैनल पे, इस पे पहले भी मैंने वाटर कलर से काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं बुद्धा की, और पेन स्केच से भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के लास्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे एक्रेलिक कलर से किस तरह से कैनवास पे यहाँ पे पेंटिंग बना सकते हैं और एक्रेलिक कलर को किस तरह से यूज़ करना चाहिए कैनवास पे, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप कैनवास पे एक्रेलिक कलर को यूज़ करते हैं। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे आज बात करेंगे और देखेंगे किस तरह की पेंटिंग से पूरी होने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कलर यूज़ करे हैं मैंने, तो एक्रेलिक कलर को किस तरह से यूज़ करना है आपको, तो बिगनर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जानकारी दी है आपको एक्रेलिक कलर से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, होप आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो किस तरह की होने वाली। इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे आज मिलने वाली है। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ले लेंगे कैनवास, उस पर आप अपनी ड्राइंग कर लेंगे जो भी आपको ड्राइंग बनानी है। यहाँ हम बना रहे हैं बुद्धा की पेंटिंग, तो यहाँ पर हमने हाफ टोन में यहाँ पर बुद्धा अपने स्केचिंग कर ली है। तो यहाँ पर सारी ड्राइंग आप देख रहे हैं फ्री हैंड है, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग आपको करनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आपको सीखनी चाहिए। मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे लेके आऊँगा इसके रिलेटेड भी, आप फ्री हैंड ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं। तो एक अच्छी सी स्केचिंग करने के बाद हम यहाँ पे अब कलर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया रेड कलर, हम सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड में कलर करेंगे। तो यहाँ पर रेड कलर लिया है मैंने, ऑरेंज कलर लिया है, येलो कलर लिया है और वाइट कलर लिया है। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर जो यहाँ पर है बिल्कुल बुद्धा के पीछे है, उसके बाद येलो कलर है, उसके बाद ऑरेंज कलर है और सबसे बाहर जो हमने रखा है वो रेड कलर रखा है। तो इसी तरीके से आप भी रख सकते हैं, या फिर आपको चेंज करनी है बैकग्राउंड तो आप उसके अनुसार यहाँ पे कलर को कॉम्बिनेशन को रख के यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये वाली बैकग्राउंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस बैकग्राउंड को प्रेफर कर सकते हैं। तो अब हम कलर करेंगे बुद्धा के फेस पे। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लिया है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है, तो आप देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है और यहाँ पे येलो कलर लिया हमने। जो भी यहाँ पे उभरे हुए पार्ट रहेंगे जहाँ पे हमको हाईलाइट देनी है तो वहाँ पे हमने यूज़ करा है येलो कलर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आईज़ में और गालों पे किस तरह से यहाँ पे येलो कलर लगाया है, और जो भी हमारे डेप्थ वाले पार्ट हैं जैसे आईज़ के ऊपर वाले पार्ट है तो वहाँ पर डेप्थ है तो वहाँ पर थोड़ा सा सैप ग्रीन लगाया है ताकि थोड़ा सा और जो वो है उसमें डार्कपन आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिया है जहाँ पे हमारे डार्क गहराई वाले पार्ट हैं वहाँ पे हम डार्क कलर यूज़ करेंगे, सैप ग्रीन यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल पूरे फेस में यहाँ पे हम येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम फर्स्ट कोट लगा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कोट में ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको फुलफिल करना है अपना कलर जो है, जहाँ पर हमें डार्क टोन लगानी है वहाँ पर हमें डार्क कलर लगाने हैं, और जहाँ पे हमें लाइट कलर लगाना है वहाँ पे हमें लाइट कलर यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे टोन्स अभी आपको दे देनी है किस तरह से आपको डार्क और हाईलाइट में अंतर दिखाना है यहाँ पे। तो फर्स्ट कोट में आपको सिर्फ डिटेलिंग्स नहीं करनी है, सिर्फ फुलफिल करना है आपको कलर, जो कलर जहाँ पर आएगा वहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेकेंड कोट में थोड़ा सा डार्कर जा सकते हैं तो डार्क वैल्यू और दे सकते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर यूज़ करा है डार्क वैल्यू देने के लिए, तो सैप ग्रीन में आप और थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाएंगे तो जहाँ पे बिल्कुल ही डार्क टोन है तो वहाँ पे आप इस कलर को लगा सकते हैं ताकि आपका जो गहराई वाले पार्ट हैं जहाँ पे आपको शेडो दिखानी है ज़्यादा डार्क कलर की, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो पेंटिंग है वो उभर के आए और हाईलाइट और शेड में अंतर यहाँ पर पता चले। तो यहाँ पर हम मिड टोन के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा इसको पत्थर का लुक देने के लिए हम थोड़े से थोड़े डॉट डॉट लगाएंगे ताकि उनको हम जब डिटेलिंग्स करें तो उसमें थोड़ा सा पत्थर का लुक आए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आपको येलो कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन ही यूज़ करना है इसमें,
अगर आप और किसी कलर के बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको उस कलर के सारे टोन्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अब सेकंड कोट लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा और उभार लेके आ सकें हम अपनी पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे बिल्कुल हाईलाइट या मिड टोन देनी है वहाँ पे मैं थोड़ा सा येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारी जो पहली लेयर है वो काफ़ी सूख चुकी है, मतलब ड्राई हो चुकी है पूरी। तो उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना जो सेकंड लेयर है या फिर थर्ड लेयर है उसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लेयर में हमने सीधे सिंपल यहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं करी थी, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स करना शुरू करेंगे हम। यहाँ पे हम डार्क टोन लगाएंगे, मिड टोन लगाएंगे और थोड़ी हाईलाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ भी मुझे थोड़ा सा मिड टोन लगानी है और थोड़ा सा हाईलाइट देनी है उसको, तो वहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ करा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और इसमें थोड़ा सा आप ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी मिड टोन लगाने के लिए। तो इस तरीके के कलर यूज़ करके हम जब भी अपनी पेंटिंग्स में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे निकल के आती है, आप देख पा रहे होंगे। अब जो हमारे जो हमने डॉट और डॉट लगाए थे उसमें हम थोड़ा सा डार्क वैल्यू देंगे। डार्क वैल्यू आपको उसी तरफ देनी है जहाँ से आपको लाइट और हाईलाइट का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। तो एक साइड से लाइट आ रही है तो दूसरी साइड आपको डार्क देना है, तो उसी का यहाँ पे पूरी फॉलो करेंगे। हमारे जो पेंटिंग्स के नियम होते हैं, बेसिक जो रूल होते हैं, जो हमारे ड्राइंग के रूल हैं, उनको यहाँ पे फॉलो करते हुए हम अपनी पेंटिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। अब जहाँ पे भी बिल्कुल हाईलाइट देनी है वहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं नोज़ पे मैंने किया है, आइज़ पे किया है। और इसी तरीके से आपको जहाँ पे भी बिल्कुल हाईलाइट टोन देनी है वहाँ पे आप वाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्रेलिक कलर काफ़ी जल्दी ड्राई होने लग जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे आप स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे छिड़क सकते हैं ताकि आपका जो वाटर कलर है यहाँ पे एक्रेलिक कलर है वो जल्दी सूखे नहीं और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसमें जो मिक्सिंग करने के लिए। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है एक्रेलिक कलर के साथ, थोड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इसकी अच्छा भी रहता है कि आपको जल्दी से जल्दी आप सेकंड लेयर लगा सकते हैं, थर्ड लेयर लगा सकते हैं, तो काफ़ी जल्दी आप अपनी पेंटिंग्स को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है इस कलर में। तो अब हम बैकग्राउंड में कपड़ा जो बना रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कितनी तरीके से लेयर लगाई हमने। यहाँ पे हम रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा रेड में यहाँ पे ब्लैक मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा मिक्स करना है, या फिर आप यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं जो हमारी जो रिंकल्स हैं जो हमारे, और हाईलाइट दिखाने के लिए आप यहाँ पे वाइट यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बैकग्राउंड में एक कपड़ा बनाया है, और यहाँ पे थोड़ी सी शेडो दिखाने के लिए आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा रेड में मिला के करेंगे तो काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे हम एक धागा बनाएंगे जो वाइट कलर का है और उसकी परछाई दिखाएंगे ताकि वो जो हमें धागा है वो काफ़ी अच्छा लगे, 3D निकल के आए। तो इस तरीके से आप अपनी जो पेंटिंग्स को है कंप्लीट कर सकते हैं। होप आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिली होगी और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं आप मिस ना कर पाएँ, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपके पास कैनवास नहीं है तो मैं आने वाले टाइम में यहाँ पे वीडियो बना दूँगा कि आप घर पे भी किस तरह से कैनवास ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं कैनवास को घर पे ही अपने एक सिंपल तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बुद्धा की पेंटिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है, रेड और यहाँ पर ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप भी अगर इस तरह की पेंटिंग्स बनाएंगे और अपनी वॉल पे लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपका जो घर होने वाला है। होप आपको काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिली होगी एक्रेलिक कलर के बारे में और कैनवास के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो में आपने देखा एक्रेलिक कलर से किस तरह से मैंने कैनवास पे पेंटिंग बनाई है। तो आगे भी आने वाले टाइम में मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।